देखिए साथियों, अब आगे भी चलते हैं गांव में। बहुत लंबा गांव, मैंने तो पहले भी कह दिया है कि इसे जिला बना दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, लेकिन ना, हम इस वीडियो में छोटी से छोटी जानकारी आपको बताने का काम किया है। तो वीडियो को यार लाइक तो बनता है ना, लाइक भी बनता है, फुल सपोर्ट भी बनता है। तो चलिए साथियों, भाई बैग दे दीजिए, ठीक है, आइए चलते हैं। तभी तो लगेंगे थोड़ी बहुत था कि ट्रेंडिंग में है भाई यूट्यूबर। आ जाइए, यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है ना, एक नंबर। सुबह का मौसम, सुबह का मौसम भाई। अब माइक दे दीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पर अंकल जी भी बैठी हुई, आंटी जी भी बैठी हुई हैं। अंकल जी जय भीम। आंटी जी जय भीम। अब थोड़ी और जाइए, काम बता दीजिए, क्या काम कर रही हैं भाई, काम बता दीजिए आप। कैमरामैन आप बता दीजिए। देखिए यहाँ पर बोनी होके तैयार हो चुकी है फसल, अब ये निकालने का काम कर रहे हैं। बहुत पानी भी गिरा ना, शायद सड़ गई है कौन। हाँ सड़ गई है कौन से, कुछ करेगा इसमें। अच्छा कितने का, यानी कि अभी कितना है इसका भाव बाजार में? सौ रुपया किलो। अरे बहुत बढ़िया है, बढ़ जाइए थोड़ी आंटी जी, आप बढ़ जाइए थोड़ी। नहीं मुझे आप बता दीजिए, आप भीम आर्मी को जानती हो? हम नहीं जाना। नहीं जानती हूँ। हाँ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को? नहीं जाना। साथियों देखिए, हर इंसान एक सा नहीं होता है, कभी इन्हें नाम भी नहीं सुना होगा। मायावती को जाना? हाँ मायावती जी को जानती हो, बहन कुमारी को? हाँ, वो जाना। क्या जानती हूँ बताइए थोड़ी। राष्ट्रीय अध्यक्ष तीन दिन में मुख्यमंत्री नहीं हो, क्या जानते हैं? अच्छा आ जाइए, अब अंकल जी से ही बात करते हैं। चलिए अंकल जी, यानी बहन कुमारी मायावती जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहन कुमारी मायावती के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बीएसपी जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है जी जी जी, इसलिए वोट देंगे अपन बीएसपी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मुझे भी बता दीजिए, जो चंद्रशेखर आजाद जी, उनको जानते हो? जानते हैं, लेकिन जानते तो हैं, लेकिन जब नई पार्टी घोषित कर रहा जी, ऐसे बहुमत सिद्ध नहीं होगा। अगर पार्टी दो जगह हो जाए तो कहूँ पार्टी नहीं आएगी कभी नहीं। इनको संगठित होना बहुत जरूरी है। एक हो जाए तो पार्टी अपने देश में नंबर एक पे आएगी। पहले नंबर हर जगह चर्चे भी होंगे, है कि नहीं? हर जगह। हाँ इसलिए यानी कि कांसीराम जी को जाना भैया, हम जैसे मैं नहीं हती, मतलब वो तो मैं नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हाँ मुझे बताइए, अभी जो अभी से एक जाटाव जी हैं सायर, उनके द्वारा बहुजन नेता साथ आओ, बहुजन जागो मार्च, एक मार्च निकाला जा रहा है, वो अच्छी बात जो है। कि यहाँ मोहम्मद प्रदेश है, जहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, वहाँ से यह निकाली गई थी 23 जुलाई को, और ये हर जिले से निकाली जा रही है। ठीक है, उसमें हम सहमत है। और देखिए इस जो बहुजन जागो मार्च निकाला जा रहा है, अच्छी बात, इसमें काफी संख्या में सभी बहुजन समाज में हम साथ दे। देखो भीम आर्मी की जो संगठन संगठन पार्टी है, गठित संगठन में है, तो उसमें अपन साथ दे। हाँ। लेकिन हम तुम बीच में दो मत नहीं बनाओ, दो मत बनाओगे अपना देश टूट जाएगा, न पार्टी आएगी, न कहूँ जीत सका था। सही कहा, बहुत बढ़िया कहा, यानी कि संगठित रहो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी जी, अब ऐसा नहीं कि तुम अपनी वोट तीन जगह बांट दे, दूसरे को राज करा दे। सही बात कही। मुझे भी बता दीजिए कि जो देखिए एकता हो के आप एक मत में जी, अपनी समाज है और अन्य समाज है, बीएसपी को वोट दो, बीएसपी अपनी पार्टी है, वो आगे चलेगी। अब मुझे ये भी बता दीजिए, मेरी भी थोड़ी सुन लीजिए। हाँ बोलो। मुझे बताइए, जो मार्च निकाला जा रहा है बहुजन जागो, अच्छी बात, बहुत अभी इससे एक जाटा दोबारा, ठीक है, जो की एक बहुत बड़े शायर भी है, यूट्यूबर भी है, निकाला जा रहा है। ये इसीलिए निकाला जा रहा है कि जो यानी कि जब आपके लिए समाज का ठेकेदार बनना है तो पहले आप एक हो जाइए। हमने तो एक रहेंगे, है कि नहीं? रहेंगे। समाज तो हो जाएगा जब नेता एक हो जाएंगे तो समाज तो अपनी सत्ता आएगी, है कि नहीं? समाज ऐसे नेता बनता है। तो बहुत बढ़िया लगा अंकल जी। जय भीम। एक बार बोल दीजिए, जय भीम जय भारत। आप भी बोल दीजिए, जय भीम। बहुत बढ़िया आंटी जी। चलिए भाई, ये औरत की कोस बहुत गीली भी है अभी, फिर भी ये तोड़ रहे हैं। जी। अच्छा बेड़ा में क्या क्या होगा? उड़दा कुछ है, ककड़ी अभी कुछ नहीं, वरना मैं भी तोड़ लेता। नहीं,
है कि नहीं भाई? मेरा दोस्त भी हंस पड़ा। महेश है भाई, कुछ आप भी बोल दो भाई। रामटोरिया से, रामटोरी आप बता दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, बोलो बोलो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब। चलिए कुछ बात नहीं।